तो चलिए आज कुछ विंटर सीड्स लगा लेते हैं। दोस्तों आज मैं कुछ विंटर सीड की तैयारियां कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ सीड्स आज लगा ही डालूं। ये सारे जो देख रहे हैं ये लास्ट ईयर के मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। हर साल मैं अपने ही फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स से ही ग्रो करती हूँ। ज़्यादातर टेस्टिंग के तौर पर मैंने एक छोटे से गमले में कैलेंडुला के सीड डाल दिए थे, बस मैं देखना चाहती थी कि इसमें स्प्राउट्स आते हैं कि नहीं। तो देखिए 5 दिन के बाद बहुत सुंदर से इसमें स्प्राउटिंग आने स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे सारे इसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स दिख रहे हैं मुझे। तो इट्स मीन्स अगर मैं सीडलिंग करूँगी तो सक्सेस जरूर होंगी और बहुत अच्छे से इनमें स्प्राउटिंग भी आ जाएगी, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है करके कि फर्स्ट मैं कैलेंडुला के कुछ सीड्स ग्रो करूँगी। ये जो देख रहे हैं ये कैलेंडुला के सीड्स हैं जो डबल पेटल वाले, मैंने उनके सीड्स को स्टोर करके रखा था। तो बहुत ही कम अमाउंट में मैंने स्टोर किया है, कुछ को तो मैंने वहाँ पे टेस्टिंग के तौर पर लगा दिया है जिसकी जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो गई है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं रखा। तो मैं जौन से जिस तरीके से मैं लगाती हूँ उसको आप लोगों को आज मैं शो कर देती हूँ। दोस्तों मैं कोकोपीट का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना मॉइस्चर रहता है हवा में और इतना ह्यूमिडिटी रहता है कि मुझे ये कोकोपीट यूज़ करने में बहुत ही डर लगता है। हाँ कभी कभी मैं कोकोपीट में भी लगा देती हूँ। तो हर समय मैं इसी तरह की सॉइल मिक्सिंग लेती हूँ। गार्डन सॉइल की अमाउंट बहुत ही कम लेती हूँ, साथ में मैं लेती हूँ ये सैंड। सैंड और गार्डन सॉइल में ही मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। थोड़ा सा जर्मिनेशन के लिए उनको थोड़ा सा ये कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, तो वर्मी कंपोस्ट को मैं इसमें डालती हूँ। वर्मी कंपोस्ट को यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि वर्मी कंपोस्ट ठंडे होती है दूसरे जो काउ डंग या दूसरे फर्टिलाइज़र के मुताबिक। ये वर्मी कंपोस्ट सॉइल को बहुत ही ठंडक पैदा करती है, तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट को डालना बहुत ही सेफ रहता है। तो बहुत ही अच्छे से इनके मिक्सिंग करना है, थोड़ा सा भी गांठ नहीं रहना है। अगर इसमें कुछ कंकड़ या पत्थर कुछ पेबल्स नज़र आए तो उनको छांटकर हटा दीजिए। थोड़ा सा भी लम्स में रहना है, जितनी सॉइल हल्की होगी तो उतनी अच्छे से इनमें जर्मिनेशन भी बहुत ही अच्छे से होगी। तो फंगस फ्री करने के लिए मैं सॉइल में थोड़ा सा ये हाफ टी स्पून के जितना फंगिसाइड को यूज़ करती हूँ। तो फंगिसाइड को यूज़ करना बहुत ही नेसेसरी होता है जब भी हम सीडलिंग करते हैं। दोस्तों मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ और हर समय मेरी सीडलिंग रेडी भी हो जाती है। आप लोग कोकोपीट और ये सैंड के को लेकर भी ये जर्मिनेशन कर सकते हैं, सीडलिंग कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही 100% सक्सेस रेट होती है। बट मैं इसी तरह से ही करती हूँ हर साल, तो मेरी सीडलिंग भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। तो आपने जैसे देखा सॉइल और सॉइल की मात्रा कम ली है और सैंड, उसमें थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट और फंगिसाइड मैंने मिक्स करके बहुत ही सॉफ्ट सॉइल बहुत ही हल्का मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो मैंने ये छोटा सा ये बहुत ही शैलो ट्रे लिया है। दोस्तों ये असल में एक छन्नी थी जिसमें मैंने पहले भी सीडलिंग कर चुकी हूँ। तो इस तरह के जो शैलो ट्रे में सीडलिंग करना बहुत ही अच्छा होता है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है, तो कम अमाउंट में सॉइल में ही बहुत ही अच्छे से जर्मिनेशन हो जाती है। जब भी हम सीडलिंग करते हैं तो ज़्यादा डेप्थ वाले गमले की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें भी लगा सकते हैं मगर शैलो में भी बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो मैंने इसको पूरा ऊपर से फिल कर लिया है। अगर इसमें थोड़े से भी मुझे गांठ वगैरह कोई हार्ड सॉइल मुझे नज़र आ रही है या छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं तो मैं इनको हटा दे रही हूँ। तो मैं इस ट्रे में मैं दो लगाऊंगी, फर्स्ट मैं कैलेंडुला लगाऊंगी फिर आइस प्लांट। तो मेरे पास कैलेंडुला के सीड बहुत ही कम है, वो भी डबल पेटल के। तो देखिए मैंने जितने भी सीड्स रखे हैं वो सारे मैच्योर, अच्छे से जो मैच्योर सीड्स होते हैं उनको रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं फंगिसाइड लगा देती हूँ ताकि वो सेफ़ हो जाए, फंगस फ्री हो जाए हमारे सीड्स।
तो अभी मैं इनको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही कम अमाउंट में है इसलिए मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। वैसे भी कैलेंडुला के सीड थोड़े से मोटे मोटे होते हैं जिनको हम हाथों से बहुत ही इजीली उठा सकते हैं, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में इसको डालना बहुत ही सेफ होता है। और वैसे भी मेरे पास बहुत ही कम है इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से थोड़ा दूर दूर ही डाल रही हूँ डिस्टेंस में, ताकि जब इसमें स्प्राउटिंग हो तो बहुत ही इजीली उसको स्प्राउट होने में मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं रखा। तो अभी नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ आइस प्लांट। दोस्तों मेरे आइस प्लांट मेरे बहुत ही फेवरेट प्लांट है। लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर भी मैंने रेडी किए थे आइस प्लांट। ये वाले जो सीड दिख रहे हैं मेरे अपने ही आइस प्लांट के सीड्स हैं। तो फर्स्ट बार जब मैंने लगाया था तब मैंने परचेज़ किया था, और अभी थर्ड टाइम लगा रही हूँ तो मैंने एक बार भी परचेज़ नहीं किया है। देखिए बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, बहुत ही संभल कर इनको लगाना पड़ता है। तो वही रूटीन है, थोड़ा सा फंगीसाइड मिक्स कर लिया और हल्के हाथों से ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसको मतलब जब स्प्रिंकल करते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि कितने डिस्टेंस में गिर रहा है। अपने ही अंदाजे से मैं इसको एक डिस्टेंस मेंटेन करके डाल रही हूँ। तो अभी मैं पूरा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा कम लगाऊंगी फिर, क्योंकि मैंने अगर ना लगे तो कुछ दिन के बाद फिर से मैं ये रूटीन को रिपीट करूँगी, क्योंकि कैलेंडुला के तो लग गए हैं पर गारंटी नहीं है कि दूसरे सीड्स भी आ जाए। पर ये मेरे सीड्स ऊपर मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर ऊपर डाल दूँगी। सीड को कवर करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि कभी कभी जो बर्ड्स होते हैं वो सारे ये सीड्स को चुग कर ले जाते हैं, मगर ये जो आइस प्लांट के सीड्स हैं उसको अगर हम कवर भी ना करें तभी भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही बारीक होते हैं। तो मैं थोड़ा मार्किंग कर रही हूँ कहाँ पे मैंने कौन सा लगाया है, मगर उनके जो सैपलिंग्स निकलते हैं पता ही लग जाता है। कैलेंडुला और ये जो आइस प्लांट के जो सैपलिंग्स होते हैं एकदम देखने में अलग होते हैं। आइस प्लांट्स की जो लीव्स होती है उस पर हल्की हल्की सी बूंदे जैसी दिखती है, जो उसमें ओस की बूंदे जैसी लगती है। तो दूसरे ट्रे को भी मैं रेडी कर रही हूँ। तो फिर इस वाले ट्रे में मैं फर्स्ट लगाऊंगी रेड वेराइटीज़ वाले डेंड्रस, जो रेड कलर के इसमें फ्लावरिंग आती है। दोस्तों रेड वाले जो डेंड्रस होते हैं बहुत ही मुश्किल से देखने के लिए मिलता है। तो लास्ट ईयर मुझे बस एक ही इसकी छोटी सी सैपलिंग मिली थी जो मैं लेकर आई, बड़ी मुश्किल से एक मुझे मिला, तो बहुत ही सुंदर उसमें ब्लूमिंग आई थी रेड कलर के। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम अमाउंट में ही मैं सीड ले सकी इसमें। देखिए दोस्तों ऊपर जो उसका कवर होता है उसको हमें हाथों से फटा देना पड़ता है दबाकर, तो अंदर आपको देखेंगे ये ब्लैक ब्लैक कलर के जो सीड निकल रहे हैं वही ये डेंटिस के सीड्स हैं। तो रेड कलर के है, जो रेड कलर की फ्लावरिंग होती है बहुत ही सुंदर लगता है, ये डेंटिस वाले वेराइटीज़ की है। तो देखिए जब भी आप ग्रो करें, डायरेक्ट ग्रो ना करें, उसके जो कवर होती है उसको हाथों से फटा देना है, तो अंदर जो ब्लैक सीड निकलती है उसी को आपने ग्रो करना है। तो इस ट्रे में मैं थ्री डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे तीन इसमें सीडलिंग करनी है। तो ये जो रेड वेराइटीज़ के डेंटिस से बहुत ही कम अमाउंट में है इसलिए मैं उसको बहुत ही मतलब अच्छे से लगाना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइप की वेराइटीज़ बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। और इसके बाद मैं पैंसीज के कुछ सीड ले रही हूँ। सारे सीड्स को मैं एक साथ ग्रो नहीं करूँगी क्योंकि पूरा गारंटी नहीं है करके कि जो भी मैं लगा रही हूँ निकल ही जाए, पर कैलेंडुला का तो पूरा गारंटी है क्योंकि इसको मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए लगाया तो वो निकल आए, उसकी स्प्राउटिंग भी हो गई है। तो इनको भी इसलिए मैं हाफ ऑफ करके लगा रही हूँ। लास्ट में लगा रही हूँ दोस्तों ये लोकल वैरायटीज़ वाले डेंटस। मुझे लोकल वैरायटी वाले जो देसी वाले जो डेंटस होते हैं बहुत ही पसंद है, क्योंकि जो हाइब्रिड वाले डेंटस होते हैं उसकी मात्रा में उनमें जो फ्लावरिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने मेरे गार्डन में देखा होगा बहुत ज़्यादा मेरे ये वैरायटीज़ वाले जो ये देसी वाले वैरायटीज़ के डेंटस होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। कंटिन्यूस अप्रैल तक मेरी इसमें ब्लूमिंग हुई थी, तो मैंने बहुत सारे सीड्स ले लिए हैं उसके, तो सारे मैच्योर सीड्स हैं। मे बी अगर अच्छे से निकल जाए तो मैं और भी लगाऊंगी। इस बार मैं डेंटस बहुत ज़्यादा ग्राउंड में लगाऊंगी, तो फिर मैं ग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। तो मार्किंग कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ पर मैंने जौन से सीड्स डाले हैं, क्योंकि बाद में कभी टाइम पीरियड के बाद हम लोग क्या होता है कौन से पार्ट में क्या लगाया है तो लगभग भूल ही जाते हैं, इसीलिए जितना हो सके उनको मार्किंग कर देना बहुत ज़रूरी है। और इनमें मैंने डेट भी लिख दिया है किस दिन मैंने लगाया है। तो वही प्रोसेस ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा इसको हाफ इंच के जितना बहुत ही हल्का सा परत हमने ऊपर डाल देना है।
कवर कर देना है। तो ऊपर मैं अभी स्प्रे कर दूंगी फंगिसाइड का। पानी में मैंने थोड़ा सा हाफ स्पून के जितना फंगिसाइड मिक्स कर दिया है और उसके सारी सॉइल मिक्सचर को ऊपर से मैं गीला कर दूंगी। तो अच्छे से स्टार्टिंग में अच्छे से गीला करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी गीला करें तो स्प्रे से करें या तो हाथों से करें, डायरेक्ट मग से ना करें। और कभी भी स्पीड में स्प्रे ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर स्पीड में स्प्रे करेंगे वाटरिंग का तो फिर उसमें से जो सीड डाला है वो मिट्टी से बाहर निकल के आ जाती है। इसलिए बहुत ही हल्का हल्का हमने स्प्रे करना है। बस अभी मैंने कुछ लगा दिया है, और सारे तो मैंने नहीं लगाए हैं, कुछ सीड मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मे बी अगर ये सीड्स ख़राब हो जाए, ख़राब तो वैसे मतलब कभी सीज़न का मुताबिक ना भी निकल सके, क्या पता मैंने जल्दी लगा दिया हो, तो फिर नेक्स्ट बार मैं फिर से लगाऊंगी। तो हमें ट्राई करते रहना पड़ता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। बाय बाय दोस्तों।